नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A53 2020 वर्सेस Oppo A55 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A53 2020 में 6.45 इंच जबकि Oppo A55 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Oppo A53 2020 में 2.96 इंच जबकि Oppo A55 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A53 2020 में 186 ग्राम जबकि Oppo A55 में 193 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo A53 2020 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A53 2020 में 6.5 इंचेस जबकि Oppo A55 में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A53 2020 में 82.87% जबकि Oppo A55 में 82.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A53 2020 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रोन कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo A55 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A53 2020 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo A55 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo A53 2020 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Oppo A55 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo A53 2020 में Adreno 610 जबकि Oppo A55 में PowerVGE 8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo A53 2020 में Qualcomm Snapdragon 460 और Oppo A55 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB 6GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Oppo A53 2020 में Android V10 Q जबकि Oppo A55 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Oppo A53 2020 में 3 कलर्स जबकि Oppo A55 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Oppo A53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,180 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें ओप्पो F55 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 15,490 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 0 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में ओप्पो F55 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में ओप्पो A53 2020 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G9 है जो कि 10,999 रुपए में मिलता है। दूसरा शाओमी रेडमी 9 है जो कि 9,999 रुपए में मिलता है। तीसरा ओप्पो F17 है जो कि 18,490 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको X3 है जो कि 18,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।